नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक 60 साल बुज़ुर्ग औरत की पाम एनालिसिस करेंगे और ये पाम एनालिसिस होगा, ज़मीन खरीदते हैं हम लोग, जो एसेट बनाते हैं, ज़मीन हो घर हो, वो किस एज में क्या इंडिकेशन मिलता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि इस एज में जाके ये ज़मीन या जायदाद इनका ये ख़रीद लेंगे या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरा एक मित्र है जो उड़ीसा में है, जिससे मेरा ये पामिस्ट्री का नॉलेज हम लोग शेयर करते हैं आपस में, ताकि दोनों का ही ज्ञान बढ़े इसमें। तो उसी मित्र ने मेरे को एक पाम भेजने के लिए पहले रिक्वेस्ट मतलब भेजा था कि मेरे पास एक पाम है जो इस पे ऐसी लिखा है जो ज़मीन को परचेस शो करता है, लाल बॉर्डर दिया हुआ उसमें लिखा है। तो उन्होंने पाम को भेजा तो मैंने लिखा क्या ये क्या 45-44 को ख़रीदा है ज़मीन। तो उनके आंसर था 45 को ख़रीदा, लेडी का पाम है, 60 एज है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो सही था। तो चलिए देख लेते हैं उस पाम को अभी, कि क्या इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कब ज़मीन ख़रीदने का चांसेस है या आप ज़मीन ख़रीदेंगे। तो ये वो पाम है। तो जब भी कोई लाइन आपकी फेथ लाइन को ऊपर से नीचे आके काटे, जब भी कोई लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आके काटे फेथ लाइन को, उस टाइम पे आप ज़मीन या जायदाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका दो इन्वेस्टमेंट था, एक 28 को इन्होंने ख़रीदा था और एक 45 को। पहले 28 वाली बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो 28 का एज है, ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये करीब करीब ये 24 होगा, तो यहाँ पे होगा 28। ये 28 के एज में ये लाइन इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीचे से कट के ऊपर गया है या ऊपर से कट के नीचे आया है। अगर ये नीचे से कट के ऊपर गया है तो ये परचेस शो नहीं करेगा, लेकिन अगर यही लाइन ऊपर से नीचे आके कट रहा है तो ये शो करेगा कि उस टाइम आपने ज़मीन या जायदाद में परचेस किया है या इन्वेस्ट किया है। तो अभी तो अगर ये लाइन मतलब यहाँ इतना अंधेरा नहीं था, इतना क्लियर पिक्चर नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये लाइन नहीं भी होता तो 28 साल, देखिए अभी इनका एज 60 है, 30 साल हो गया वो पहली वाली जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए ख़रीदा था। अगर ये लाइन ऊपर से नीचे नहीं भी आ रही है तो उस टाइम ज़रूर एक लाइन ऐसा हल्का होके ये लाइन को कट रहा होगा, जिसकी वजह से ये ख़रीदा होगा, ये कंफर्म है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जो पास पिछला वाला है, अगले वाला मतलब जो 45 को है, उसको हम जब दिखाएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ख़रीदे 30 साल हो गया तो लाइन धीरे धीरे हल्का होकर चला जाए आपके हाथ से, अगर छोटा लाइन है, अगर बड़ा लाइन है तो रहेगा। तो हम पहले इसी को पकड़ लेते हैं कि ये ऐसे काटा और इसी वजह से ये ख़रीदा 28 को। 28 को क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए अभी 45 का एज कैलकुलेशन करते हैं। 44-45 जो मैंने बोला वो किस हिसाब से बोला, देखिए अगर यहाँ से हम लाइन खड़ी काटते हैं तो ये फेथ लाइन को 34-35 को कटता है। ये एग्जैक्ट हिसाब हम लोग अगर स्केलिंग स्केल से कोई मार्क करे तो ही एक्चुअल निकलता है, कि जैसे हाथ से ड्रॉ करेंगे तो एक दो साल इधर उधर हो जाता है, लाइन बेंड हो जाता है कभी। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए दो लाइन पैरेलल कट रहा है, यहाँ पे दिखाई दिया ना, सब दो लाइन पैरेलल कट रहा है ऊपर से नीचे आके। इनमें से एक तो होगा मिस्टिक क्रॉस। मिस्टिक क्रॉस जिन लोगों के हाथ में होता है, मिस्टिक क्रॉस का मीनिंग दूसरा है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट शो नहीं करता है। लेकिन उसी एज में इनको ख़रीदना था ज़मीन और दोनों लाइन ही ऐसा लग रहा है कि दोनों में एक कौन सा मिस्टिक क्रॉस बन रहा है ये पता नहीं चल रहा है। दोनों ही पैरेलल है, सेम है, एक ही जगह से निकला है, हार्ट लाइन से निकला है और नीचे माइन लाइन में आके ख़त्म हो गया है। तो दो तो मिस्टिक क्रॉस नहीं होगा पैरेलल, एक ही होगा। तो ये एक और ये एक, इन दोनों में से एक ये ज़रूर इन्वेस्टमेंट का लाइन होगा
और एक मिस्टिक क्रॉस होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 44, 45, क्योंकि पहले जो लाइन है नीचे का ये 44 है और ऊपर जो है लाइन ये 45 है। तो वो जब बोले कि 45 को खरीदा ज़मीन, तो ये कंफर्म हो गया कि नीचे वाला जो लाइन है वो मिस्टिक क्रॉस का लाइन है और ऊपर वाला जो लाइन है वो इन्वेस्टमेंट का लाइन है। तो ये ऐसे हम लोग कंफर्म करते हैं कि आप कब ज़मीन ख़रीदेंगे। सिर्फ हार्ट लाइन से ही, मतलब सिर्फ फेथ लाइन से ही पता नहीं चलता है, लाइफ लाइन में भी कुछ साइन होता है जिससे हम लोग ज़मीन ख़रीदते हैं। लाइफ लाइन से अगर लेडीज़ के जो पाम है उससे उस टाइम में अगर ऐसा कोई असेंडिंग लाइन निकल रहा है तो उस टाइम में ये ज़मीन ख़रीदते हैं। अगर असेंडिंग लाइन कुछ निकल रहा है आपके लाइफ लाइन से उस टाइम में भी आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट के या घर हम लोग जब बनाएंगे अपना खुद का तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टाइम में हम लोग ऐसा इंतज़ाम करें या खुद को प्रिपेयर करें कि जब हम ज़मीन या घर ख़रीदेंगे, जब भी कोई लाइन ऊपर से नीचे फेथ लाइन को काटेगा उस टाइम में इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब खर्चा कराएगा आपका, जिससे आपको एसेट बनेगा। वो ज़मीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकती है, कोई डिबेंचर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होता है जिसका वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता रह जाएगा। मतलब समझिए कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप आज कर रहे हैं 10 रुपये का, बाद में जाके वो 15 रुपये आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप चाहें तो। अगर ये ज़मीन जब ख़रीदा 45 के एज में, अभी 60 एज हो गया इनका, 25 साल हो गया, तो 25 साल के बाद तो ज़मीन का दाम शायद 3 गुना या 4 गुना हो गया होगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जब फेथ लाइन को ऊपर से कोई लाइन कटे और नीचे आके ख़त्म हो तो जाके वो गुड इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ही बैड इन्वेस्टमेंट होता है अगर नीचे से कोई लाइन चलते जाए और ऊपर जाके कट जाए, मतलब नीचे से शुरू हो और फेथ लाइन को ऊपर में काटे, कट के ऊपर निकल जाए, तो आपके लिए वो बैड इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब आप एक गाड़ी खरीदा है पैसे आप अपनी सुख के लिए या किसी भी कारण बस आप गाड़ी खरीदे एक बहुत पैसा डाल के, और वो गाड़ी का क्या होगा कि दिन ब दिन उसका प्राइस घटता जाएगा, उसका मेंटेनेंस खर्च बढ़ेगा, उसका पेट्रोल का डीजल का जो खर्च है वो रहेगा, और वो कार की कीमत भी घटता जाएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट देता है अगर नीचे से कोई लाइन आपका फेथ लाइन कट जाए। और ये आगे चलते हैं और थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इस पाम में एक बहुत ही बढ़िया साइन है, स्टार भी है और फिश साइन भी है सन माउंट पे। एक बहुत ही बड़ा फिश साइन है इनके सन माउंट पे, और इसी के साथ ऐसे चल के एक स्टार भी बन रहा है। तो फिश या दोनों स्टार दोनों के साथ ही है तो इनको तो फिनेंशियली कभी तकलीफ नहीं होगी, होगी भी तो छोटी मोटी होगी जो गुजर गई होगी, मतलब एक झटका दिया और ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ फिनेंशियल ट्रबल रहेगा इनके ज़िंदगी में आगे चल के अगर कभी हुआ, क्योंकि लाइफ लाइन इनका जो है वो नीचे निकल के यहाँ तक आया, फिर फेथ लाइन से पैरेलल होके ये नीचे चला गया स्ट्रेट होके। अगर स्ट्रेट हो जाए कभी फेथ लाइफ लाइन आपकी ऐसी सीधी हो जाए तो उस टाइम में आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब इनका लेटर एज में जब भी ये एज इनका है ये थोड़ी तकलीफ़ में होंगे हेल्थ को लेके या पैसे को लेके, लेकिन थोड़ी ही होगी क्योंकि इनको संभालने के लिए सन माउंट में एक फिश है, बहुत ही बढ़िया फिश साइन है और उसके साथ स्टार है। तो अगर ये फिश या और स्टार या कुछ नहीं होता इस पाम में सन माउंट पे तो इनको ये तकलीफ़ बहुत बड़ा होता जो अभी चल रहा है। मैंने पता किया है उनका, अभी बोल रहा है कि फिनेंशियल कंडीशन मीडियम है, तो मीडियम मतलब इनका जो ऐसे स्टार और फिश बन गया इसलिए मीडियम है, अगर नहीं था नहीं होता ये साइन तो बुरा होता। इनका हालात फिनेंशियली और हेल्थ वाइज उतना अच्छा नहीं होता। तो ये रहा इस पाम का एनालिसिस। अगर आपका भी कुछ खुद का कुछ क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ होगा।
तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो क्या होगा कि आपको मेरे सारे जो वीडियो है प्रैक्टिकल जो हम पामिस्ट्री एनालिसिस करते हैं जो प्रूफ के साथ होता है और एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं सिखा देता हूँ और उसी हिसाब से हम लोग एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन करके आपका कौन सा इवेंट किस उम्र में होने वाला है वो बता सकते हैं। तो देखिएगा मेरे चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए रखते हैं, शुक्रिया आप लोगों का।